Now we will learn about monuments. Monuments किसे कहते हैं? Monuments का मतलब होता है स्मारक। आपने बहुत सी ऐसी जगहों के नाम सुने होंगे जो किसी ना किसी शहर में बहुत फेमस है। ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में सुना होगा, जैसे सांची स्तूपा। सांची स्तूपा कहाँ पर है? ये सांची में है और ये क्या है? एक बिल्डिंग है। देन हवा महल। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है और ये भी एक बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है। देन विक्टोरिया मेमोरियल, ये एक बहुत बड़ा महल है जो कहाँ है? कोलकाता में है। देन इंडिया गेट। इंडिया गेट तो आप सबने देखा होगा। इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में है। देन चार मीनार। चार मीनार हैदराबाद में है। देन गेटवे ऑफ इंडिया, ये बॉम्बे में है और दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने। शाम को बहुत सारी लाइटिंग होती है और मार्केट लगती है कहाँ पे? गेटवे ऑफ इंडिया पर। ये समुद्र के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट हुमायूं टॉम, ये कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। राजा हुमायूं ने इसको बनाया था। देन ताजमहल, सात अजूबों में सबसे सुंदर क्या है? हमारा ताजमहल। ताजमहल वाइट मार्बल से बना है, सफ़ेद संगमरमर से बना है। ये राजा शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज़ महल की याद में बनाया था। दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने। ये बहुत सुंदर है और ये कहाँ है? आगरा में है। देन राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है और हमारे राष्ट्रपति यहाँ बैठते हैं। देन ओल्ड फोर्ट मतलब पुराना किला, जिसे हम लाल किला भी कहते हैं, ये कहाँ है? दिल्ली में है। देन कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एक बहुत ऊंची सी मीनार है, ये भी कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। देन हावड़ा ब्रिज, ये एक नदी के ऊपर बना हुआ बहुत बड़ा पुल है जो कोलकाता में है, जिसे हम हावड़ा ब्रिज कहते हैं। बच्चों, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं टॉम, ताजमहल, ये सब पुराने राजा महाराजाओं ने बनाए थे किसी ना किसी की याद में, या फिर ये क्या है? उनके महल है जिसे दूर दूर से लोग आते हैं देखने।